थिएटर्स कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लाया हूँ जिससे आपकी बैटिंग बहुत आसमान तक छूएगी। आपका मेन चीज आप स्टांस अच्छे नहीं ले पाते हो और इसीलिए आप मैच में एलबी या बोल्ड हो जाते हो। तो ये कारण है आपका मैच में स्टांस नहीं लेने का अच्छे से। तो गाइस मैं आपको कुछ 3 टिप्स बताऊंगा स्टांस के ऊपर, तो गाइस बने रहिएगा लास्ट तक देखिएगा और आपकी बैटिंग आसमान छूएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल के लाइक बटन दबा दो। तो गाइस मिलते हैं पहली टिप्स की तरफ चलते हैं। और गाइस लास्ट वाली ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी देखिएगा। आपको पहली ड्रिल बता रहा हूँ जिसमें आपकी बैटिंग का स्टांस बहुत लवली हो जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं होता स्टांस क्या होता है, स्टांस होता है ये देखो। स्टंप जैसे मैच में आप जाते हो पहले आप अंपायर से पूछो, अंपायर लेग स्टंप, मिडल स्टंप, आउट स्टंप, आप किस पे खड़े होते हो, आपका क्या बेटर स्टंप है, लेग स्टंप, आउट स्टंप या जो भी है एसेट्रा। तो गाइस पहले लेफ्टी बैट्समैन या राइटी बैट्समैन सबसे पहले लेते हैं लेग स्टंप या आउट स्टंप। तो मैं लेता हूँ ऐसे लेग स्टंप। तो आपको सबसे पहले अंपायर से, जब आप मैच में खेल रहे हो या मैच में प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले आपको अंपायर से ये चीज़ पूछनी है, अंपायर लेग स्टंप बोलो पहला कवरिंग कुछ भी विकेट पे लेके, उसके बाद आपको लाइन से आपको रफ करके स्टांस लेना है, ऐसे कुछ ऐसे यू करके आपको कुछ स्टांस होगा। और आपका स्टांस का भी एक तरीका होता है, आप स्टांस नहीं लेते हो तो आप आउट हो जाते हो। किसी को कोई कोई ऐसे खड़ा होता है देखो यूं करके, जैसे विकेट क्रिकेट खेल रहे हैं वो ऐसे नहीं खड़े होते, समझ रहे हो। तो ये होता है लेग स्टंप लेने का नतीजा या कुछ भी। तो आपके रन भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव बैटिंग होगी आपकी, मेन चीज़ ये है। तो इधर आओ कैमरा में ही दिखाओ। तो जब आप लोगे ना स्टांस लोगे ऐसे, आपके स्टांस हो गया, आप यूँ खड़े होगे। और एक चीज़ और है, जब आप स्टांस लेते हो कैमरा मैन करा के दिखाओ, ये देखो जैसे आपने स्टांस लिया तो आपका बैट है काम, कोई यूँ पकड़ता ही नहीं, यूँ ऐसे नहीं पकड़ते बैट। इधर आओ इधर आके दिखाओ बैट। तो गाइस अब आते हैं अपनी सेकंड ड्रिल पे, जिसमें आप आके ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है जब आप स्टांस ले लो उसके बाद आपको जाओ, आपको बैटिंग का ये ध्यान रखना है आपका बैट है कहाँ, कोई बैट एकदम यहाँ रखते हैं, इससे आपको फ्लो ही नहीं मिलेगा, आप रन ही नहीं आ पाएंगे। आप यहाँ से कैसे बल्ला ला पाओगे, यहाँ आप कैसे रन शॉट मार पाओगे, कैसे कवर ड्राइव मार पाओगे। कभी आपने कोहली या सहवाग किसी को देखा है उनका बैट फ्लो ऐसा होता है, आपका बैट इधर होगा ना तो रडार में बॉल आएगी, तो यू करके शॉट लगेगी और बहुत दूर बॉल जाएगी और आपका मिडिल लगेगा। आपको क्या करना है, इधर आओ, आपको करना है आपका बैट इधर होना चाहिए, देखो आपका जो सेकंड वाला पैर है कितनी कितनी ऊपर, यूँ करके आप बैट और ये आपको सेकंड, ऐसे आप पकड़ोगे तो आपकी जब बॉल आएगी रडार में आप यू शॉट मारोगे, और जब आपका कोई भी बॉल आएगी आप अपने आप आपका बैट ऊपर जाएगा फ्लो में और यू शॉट लग जाएगी। ये है कुछ सेकंड ड्रिल जिसमें आपकी बैटिंग बहुत लवली होगी और आपको ऐसे ही स्टांस लेना है, आप ये चीज़ जरूर फॉलो करके देखिए। अब अपनी आती है थर्ड ड्रिल पे, जिसमें आपको मैं कुछ ऐसी बताने वाला हूँ जिस ये ही आपकी कमजोरी है, इसी कारण आपसे रनिंग बनते और आप हो जाते हो आउट। थर्ड पहली ये चीज़ कि आप फिटनेस नहीं करते हो अकेडमी में, आप रनिंग की जगह आप कुछ करते ही नहीं हो, क्यों नहीं करते हो, आप थक जाते हो, आपका स्टेमिना लो है। अगर आपका मैच में स्टेमिना लो है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्रिकेट मत खेलो, जैसी बात है आप क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट से संन्यास ले लो, तुम वहीं रहोगे जैसे तुम पहले थे। आपको क्या करना है, आपको डेली 3 रनिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है और एसेट्रा एसेट्रा जो आपको कोच बताए वो फॉलो करना है, और नेट में अच्छी बैटिंग करनी है तभी आपकी मैच में अच्छी बैटिंग होगी। और हम मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसा, जब आप बैटिंग पे हो ना, ये आपका देखो पहली चीज आपका स्टांस, ये है अकेडमी प्लेयर, ये साकेत में अकेडमी करता है। अब इससे मैं पूछता हूँ तुम स्टांस लेते हो तो तुम पहले स्टांस लेते हो, ये देखो इसका स्टांस, और इसे अकेडमी करे हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि अब इससे हम कुछ कह भी नहीं सकते, हम इसे समझाते हैं कोई नहीं हमारा भाई जैसा है। अब इससे पूछते हैं क्या आप स्टांस मैच में लेते हो आउट होते हो, नहीं हो पाते, मैं रन भी नहीं बना पाता और जल्दी आउट भी हो जाता हूँ, रन भी नहीं बना पाते और जल्दी आउट हो जाते हो। तो ये देखो ये है कमजोरी, अब इधर आओ हम, अब मैंने आपको बताई थी कि अपनी फर्स्ट चीज़ हो गई है, अब सेकंड चीज़ आपकी क्या है, आपको स्टांस ले लिया आपने, ठीक है आपने स्टांस ले लिया, आप खड़े हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो चेस्ट है, आपका दूसरा कंधा बॉलर को दिखना नहीं चाहिए, देखो ऐसे आपको दिख रहा है मेरा, नहीं दिख रहा, मैं देखो कि मैं अच्छे से खड़ा हूँ, आप देखो पहले ये देखो, अब जैसे ही बॉल आई कटा रहा है शॉट मिडल लगेगा, ठीक है,
और आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको बैट पकड़ना है वी शेप में, ऐसे नहीं पकड़ना आप आउट हो जाओगे, टेढ़ा बल्ला आएगा, आपको पकड़ना है वी में ऐसे, कुछ इस कदर ऐसे करके, और आपका जो चेस्ट है वो सीधा होना चाहिए एकदम ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो ये है थर्ड ड्रिल, अब हमारी सारी ड्रिल कंप्लीट हो गई, एक बार ये करके आप जरूर देखिएगा आपकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।